तो फिलहाल माइक सेट कर दिया हूँ, अब जो आवाज आप सुन रहे हैं वो माइक की सुन रहे हैं क्योंकि Hey guys, good morning, welcome to my new blog. तो आज सुबह अभी रेडी होके तैयार हो गया हूँ, सुबह के बज रहे 9:30। तो फिलहाल काफ़ी दिनों बाद जा रहा हूँ आज ड्यूटी, काफ़ी दिन हो गए थे निकला नहीं था, तो आज निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ वहाँ पे। तो फिलहाल रेडी हो चुका हूँ, मस्त भोजन करना है, भोजन करके फिर निकलते हैं यहाँ से आज काफ़ी दिनों बाद, एक्साइटमेंट सोच लो। तो फिलहाल मस्त भोजन बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी, आज का भोजन भोजन करते हैं फिर निकलते हैं। तो फिलहाल सी टाइप करेक्टर लेने आया हूँ, ले लेता हूँ, और उसके बाद क्योंकि माइक लगाना है तो वो जरूरी है, तो अगर वो नहीं रहेगा तो माइक मंगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ये सी टाइप कनेक्टर है, इसमें ये लगा कि माइक में आसानी से लग सकता है, और ये दूसरी ब्रांड की है, दोनों में से जो बेटर होगा वही ले लिया जाएगा, क्योंकि जो क्वालिटी बेटर आए, नहीं पता चले हिल जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। फिलहाल ये वाली मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है, यही ले लेता हूँ। काफ़ी बड़ी शॉप है, आपको सब कुछ मिल जाएगा A to Z, मोबाइल से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड, कुछ भी आप चाहो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो फाइनली गाइस मैं आया था भरतकुंड साइड, तो मैंने सोचा क्यों ना चल के भरतकुंड सरोवर ही घूम लेते, क्योंकि बहुत सुना था भरतकुंड के बारे में। तो फिलहाल इधर आया था तो मैंने सोचा चल के घूम ही लेते हैं, और वैसे फ़िलहाल काफ़ी मस्त बना भी है ये। ओ भाई कितनी ऊपर से कूद रहे हैं ये लोग, और वैसे भी दिखाते हैं आपको सरोवर का पूरा व्यू, ये सरोवर का पूरा व्यू, काफ़ी बड़ा सरोवर भी है, ये उधर भी बनी हुई है, वहाँ फिलहाल जो भी क्रियाक्रम होता है वो किया जाता है उधर, लेकिन इधर ये मंदिर का जो एरिया होता है उसका पूरा प्रांगण है ये। ओ मेरी बाइक भी खड़ी है ये, और ये मंदिर का पूरा व्यू। ये चच्चा फालतू में घंटे बजा रहे हैं तब से, काफ़ी देर से। वैसे जो भी है सरोवर का वो काफ़ी मस्त भी है, यहाँ से तो और अच्छा व्यू आता है। वैसे सरोवर काफ़ी ज़्यादा मस्त है यार, घूमने लायक जगह है। और अभी तो फिलहाल भीड़ ही है, आए हैं काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए, ओह अच्छा लग रहा है, यहाँ शांत भी है। Solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heartstrings. Every other day you change your mind. 'Cause when you're hurt, you call me like I'm lonely. Some kind of little toy for you to wind up when you land. I'm bitter, feeling lonely. I'm tired of being deployed like that. पूरी तरह से तो हम पहुंच ही नहीं रहे यार, लेकिन फिलहाल पहुंच गए ऊपर तक का। तो फिलहाल काफ़ी देर से बैठा था, भूख भी लगी यार, तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो ये नमकीन हल्दीराम की स्टिंग, बाकी कुछ फास्ट फूड खाएंगे नहीं, क्योंकि यार जितना फास्ट फूड खाओ उससे ज़्यादा मेडिसिन कराना पड़ता, तो ये ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। आजकल का जो मौसम हो रखा है भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त हो रखा है एकदम। बारिश के बाद का जो मौसम होता है, बादलों में जो ये आकृति बनती है लाजवाब एकदम, देखने के बाद ये आप देखो कितनी खूबसूरत तरीके से, गजब यार भाई। Got me running in a circle. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? I'm in a circle. Back where I started, I'm stuck in like blue. You keep me on a loop. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? I'm in a circle. Back where I started, I'm stuck in like blue. You keep me on loop.
expect ya, thought I was enough. Yeah, feels like half a century ago. Cause you keep coming back after telling me off without even feeling sorry between goodbye and hello. उस दिन फिलहाल माइक की टेस्टिंग नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैंने इसका सब कुछ ऑलरेडी कर दिया है, ला के सी टाइप का कनेक्टर वगैरह। तो फिर आज माइक से टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसकी वॉइस जो है कितनी क्लियरिटी के साथ में है। तो चलते हैं टेस्ट करते हैं, कैसा फ़ायदा है कि बस वैसे ही मंगा लिया हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो टेस्ट करके फिर देखते हैं। अभी तो फिलहाल आप मुझे सुन रहे हैं ऐसे नॉर्मल, कोई माइक वाइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आप इसके आगे जो आप सुनेंगे वो माइक की आवाज़ रहेगी, तो डिफरेंसेस पता चल जाएंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो ट्राई करते हैं फिर। तो फिलहाल माइक सेट कर दिया हूँ, अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो माइक की सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तक इससे पहले जो आवाज़ सुन रहे थे आप केवल फ़ोन से था। माइक की आवाज़ अब क्लियरिटी पता चल जाएगी, माइक लगाने को कोई बेनिफिट है या नहीं। प्लस मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो ये मेरा पूरा मेकअप का सामान, भाई मेकअप का सामान नहीं है, मैं बाहर ट्रैवलिंग करता हूँ, धूप वगैरह से आता हूँ, तो शाम को फेस वॉश करना ज़रूरी होता है, तो बस उसी का सामान है बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। मेरे इधर ब्लेजर टंगे हुए हैं और कपड़े, और उसके बाद रूम तो मैंने दिखाया था, फिलहाल फिर दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ कितने सामान बिखरे हुए हैं। तो ये मेरा रूम का पूरा सामान जो है ये बिखरा ही हुआ, ये मेरा बैग। इसमें सोच रहा हूँ कि मैं पूरा टोटल जितने भी उपकरण हैं अपने इसके क्या नाम है ब्लॉग से रिलेटेड, इसी में रखूँ, कहीं भी जाऊँ या कहीं भी हूँ तो इसी को लेके फिलहाल निकलूँ। तो ये पूरा सामान बिखरा हुआ है यार, तो बेटर लग रहा होगा, जहाँ तक हमारी आशा है कि माइक की आवाज़ बेटर होगी उसके अपेक्षा। तो फिलहाल अभी वीडियो जब एंड करूँगा तो फिलहाल पता चली जाएगी कि कैसी है माइक की क्वालिटी। और ये मैं आज अपना किचन भी दिखा देता हूँ आपको, खाना बनाऊँ या ना बनाऊँ वो, लेकिन भाई मैंने किचन ले रखा है। ये गैस भी है हमारा, ये सिलेंडर सबसे पहली चीज़ मेरी ये, इसमें मैं पानी रखता हूँ, ये ऊपर रैक रखने के लिए। ये हमारा जब मैं जिम ज्वाइन किया था तब का, ये मेरे लिए फिलहाल अकेले रहते मस्त है मेरा, मैं किचन ले रखा हूँ, इनकेस मैं बाहर ही खाता हूँ, लेकिन जब से स्टोन हुआ तो कोशिश ये करता हूँ ज़्यादातर घर पे रहने की, घर का खाना मिले। लेकिन फिलहाल अगर घर पे नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ, तो कोशिश ये करता हूँ बना लूँ, और नहीं बना पाता तो मजबूरी है बाहर खाना, बाहर ही खा लेता हूँ, क्योंकि विदाउट खाना तो आप रह नहीं सकते, खाना पीना इसके बिना। तो फिलहाल इतना पूरा मेरा ऑल सेट, मेरा रूम ही है ये, मैं अकेले ही रहता हूँ पूरे रूम में, ये मेरा रूम किचन, मैं अकेले ही रहता हूँ। और जैसे थोड़ा सा चेयर वो प्लास्टिक वाली है, तो उसमें बैठ के एडिट करना थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, तो प्लानिंग चल रही है कि चेयर वो ले लूँ जो यूट्यूब वाली एक आती है बैठने के पीछे, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, तो उसमें बैठ के एडिट वगैरह करूँगा तो और भी तगड़ा आएगा चीज़ें। और ये पीछे अगर मैं निकल के बाहर भी दिखाऊँगा, लेकिन बाहर की चीज़ें तो मैं दिखा चुका हूँ आपको, फिलहाल जो भी है यही मेरा पूरा रूम का सेटअप है। तो आज माइक की टेस्टिंग भी हो जाएगी, आने वाले जो नेक्स्ट ब्लॉग होंगे उसमें ट्राई किया जाएगा तो माइक से ही ज़्यादातर रिकॉर्ड किया जाए। फिलहाल वीडियो को यही एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।